नमस्कार, मेरा नाम है प्राची। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। सितारगंज सिडकुल की फैक्ट्री में कच्चा माल उतारने के बाद दो आरोपियों ने 12 टायरा ट्रक चुरा लिया। पुलिस ने प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी हुआ ट्रक बरामद कर लिया है। एक आरोपी पर पूर्व में वाहन चोरी का मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस ने सिडकुल में वेंडर बनकर चोरी करने वाले मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद फैक्ट्री कर्मियों, ठेकेदारों के अलावा वेंडरों के सत्यापन को भी आवश्यक कर दिया है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आरोपी ने जेल में ट्रक चोरी का षड्यंत्र रचा था। ग्राम पत्थर कुई गदरपुर निवासी जहाबाद पुत्र अशफाक हुसैन ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि उसका 12 टायरा ट्रक है। 13 अक्टूबर को मेहंदी हसन उर्फ सुहेल पुत्र रफीक निवासी ग्राम कुदरा बापूनगर बरेली हाल निवासी जहानाबाद उसके ट्रक में जीनत ट्रांसपोर्ट सर्विस बिलासपुर से लकड़ी की कुट्टी भरकर लाया था। मेहदी ने ट्रक चालक का आधार डीएल दिया था जिसमें सब्बू अली पुत्र राशिद निवासी बापूनगर बरेली लिखा था। 14 अक्टूबर को मेहंदी हसन ने ट्रक को सितारगंज बालाजी में खाली कराया था। शाम को बोला वापस आ रहा हूँ, जिसके बाद मेहदी ने फोन बंद कर लिया। मेहदी ने साथी के साथ मिलकर ट्रक चुरा लिया। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एएसपी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर आरोपितों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने आसपास केसीसीटीवी कैमरा की जांच पड़ताल की, जिसमें 18 अक्टूबर की शाम ग्राम हमीरपुर बरेली रामपुर मार्ग में मो हसन उर्फ मेहदी हसन उर्फ सोहेल पुत्र इजाज निवासी नवाबगंज बरेली और राशिद अली पुत्र लियाकत निवासी मिलक अलीनगर थाना भोजीपुरा बरेली की संघलिप्तता सामने आई। पुलिस एसओजी ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर चोरी का ट्रक बरामद कर लिया। कोतवाल भूपेंद्र सिंह ब्रिजवाल ने बताया कि मुख्य आरोपित मेहदी हसन उ सोहेल पर वाहन पुलभटा थाने में वाहन चोरी का मुकदमा दर्ज है। बड़ा ट्रक है कंटेनर टाइप का जिसकी चोरी का मामला प्रकाश में आया था। सिडकुल क्षेत्र की घटना थी, तो क्योंकि सिडकुल में जितनी भी इंडस्ट्री लगे हैं उसको एकदम से सेफ एनवायरनमेंट देना और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना ये हमारी शीर्ष प्राथमिकता में है। तो जैसे ही सूचना मिली तत्काल हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और इसमें जो भी एक्यूज थे उनका रोल हम लोगों ने इसमें वेरीफाई किया, तो उसके बेस पे हम लोगों ने इनकी जो एक्यूज है उसकी अरेस्टिंग की और उसी समय उससे हमने ये ट्रक भी बरामद किया। और इस ट्रक से जो पहले हमने इसमें जब इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक की है उस इन्वेस्टिगेशन के बेस पे जो ये मेन मुख्य अभियुक्त इसमें जो मेहंदी हसन है इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है और साथ में हम लोगों ने एक और एक्यूज को अरेस्ट किया उसके भी हम लोग एंटीसीडेंट्स चेक कर रहे हैं। हम लोग तो इसमें बहुत ही गंभीर यह घटना थी, उतनी प्रोफेशनल तरीके से पुलिस ने इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से इसको वर्कआउट किया और चंद ही घंटों में ये गिरफ्तारी और बरामदगी हम लोगों ने की है इसमें। और इसमें एसओजी की टीम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है जिसको विकास चौधरी लीड कर रहे थे और थाने से एसएचओ भूपेंद्र बिजवाल हमारी टीम को लीड कर रहे थे। तो दोनों टीमों ने संयुक्त कार्रवाई में बहुत अच्छी रिकवरी इससे की है और इंडस्ट्री का इससे विश्वास बढ़ेगा पुलिस में। और साथ में एक इसमें नई चीज़ निकल के आई है कि इंडस्ट्रीज़ में जनरली जो उनके यहाँ पर स्टाफ होता है जो लोग इम्प्लॉयड होते हैं उनका वेरिफिकेशन तो हम लोग फोकस उस पर कर रहे थे, बट यहाँ पर उनका एक वेंडर था ये जो कि उसका रेगुलर एम्प्लॉय नहीं था। उस वेंडर के खुद भी उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है जो इस मुकदमे में वादी है और ये जो एक्यूज्ड है ये एक्यूज्ड की भी क्रिमिनल हिस्ट्री है और जो वेंडर था उसे इस बारे में जानकारी थी कि ये व्यक्ति जो है पूर्व से भी चोरी के आरोप में जेल जा चुका है। इसके बावजूद उसने इसको अपने यहाँ पर रखा, तो इस बारे में भी हम आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। और बाकी इंडस्ट्री के लोगों से भी अपील है हमारी कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ साथ जो आपके वेंडर्स हैं उनका भी एक बार पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य कराइए, क्योंकि इस प्रकार के आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों का इंडस्ट्री एरिया में ऑपरेट करना ये काफ़ी खतरनाक है और ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है हमारे लिए। तो हम इस पर भी काम कर रहे हैं और हम शीघ्र एक ड्राइव अभी चलाएंगे इसमें जिसमें जितने भी वेंडर्स हैं जो यहाँ पर अलग अलग तरह की सेवाएं दे रहे हैं उनकी हम लोग क्रिमिनल हिस्ट्री और उनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।